हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके राउत क्लासेस एंड आई एम संजय। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12th क्लास की जो इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका पोइट्री सेक्शन की जो थर्ड नंबर की कविता है, पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। मीन्स इसमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का आपको जो ये कविता है उसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मीन्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तथा शेयर और कमेंट करना ना भूले, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले इस पोएम की जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस वर्ड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, मीन्स इंग्लिश में दिया हुआ है वर्ड्स उसका हिंदी समझ लेते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ताकि आप जब कविता पढ़ेंगे, जब पोएम को आपको बताया जाएगा हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो वर्ड्स के बारे में आप जाने रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड्स है नर्सेस फ्लावर्स। नर्सेस फ्लावर्स मीन्स होता है बड़े वृक्ष के साथ में जो लगा हुआ छोटा वृक्ष होता है उसमें खिलने वाला फूल, मीन्स सहायक पौधे में खिलने वाला फूल, नर्सेस फ्लावर्स मीन्स होता है। नेक्स्ट है प्रैम्स। प्रैम्स मीन्स होता है ऐसे चार पहिए वाली बच्चों की गाड़ी, चार पहिए वाला बच्चों का जो खेलने वाला गाड़ी होता है, चार पहिए वाली गाड़ी, प्रैम्स का मतलब होता है, लेकिन इस कविता में इसका अर्थ अलग होगा। नेक्स्ट है विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर्स मीन्स होता है दूत या यमराज या यमदूत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्लक। प्लक मीन्स होता है तोड़ना। फिर है फ्रीज। फ्रीज मीन्स होता है जमना, ठंडा पड़ जाना। फ्रिज मतलब जैसे वो सामान रखने वाला घर में जो होता है फ्रिज, वो नहीं, यहाँ पे फ्रिज का मतलब अलग अर्थ होगा कविता में, मीन्स जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद शरीर क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, हाथ पैर पूरा बदन जो है वो ठंडा पड़ने लगता है, यहाँ पर उसका मतलब वो होगा, राइट। फ्रिज मीन्स जमना या ठंडा पड़ना। नेक्स्ट है उडेन। उडेन मीन्स होता है लकड़ी की बनी हुई ताबूत, जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, कॉफिन, तो लकड़ी की बनी हुई ताबूत, राइट। फिर नेक्स्ट है स्टीफली। स्टीफली मीन्स होता है कठोरता से। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स मीन्स होता है सोचने का तरीका। नेक्स्ट है ट्रॉल्स। ट्रॉल्स मीन्स होता है पिशाच या बुरी आत्मा। ट्रॉल्स मीन्स होता है पिशाच या बुरी आत्मा। नेक्स्ट है एंजल। एंजल मीन्स होता है दूत या देवदूत, इसको कह सकते हैं देवदूत। लास्ट वर्ड है लास्ट डिस्ट्रेस, मीन्स मृत्यु या जीवन का अंत। तो ये थी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस कविता से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं, कविता शुरू करने से पहले हम लोग पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो पोएम है, कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो कवि हैं वो है डब्ल्यू एच ऑर्डिन, राइट। डब्ल्यू एच ऑर्डिन वॉज बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1907 यॉर्कशायर इंग्लैंड। मीन्स डब्ल्यू एच ऑर्डिन साहब का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को इंग्लैंड के यॉर्क शहर, यॉर्कशायर नामक जगह पे, स्थान पे इनका जन्म हुआ था, राइट। डब्ल्यू एच ऑर्डिन डैड ऑन 29 सितंबर 1973। डब्ल्यू एच ऑर्डिन साहब की मृत्यु 29 सितंबर 1973 ईस्वी को वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था, मीन्स ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी का नाम जॉर्ज ऑगस्टस ऑर्डिन था,
और इनकी माता का नाम रोसेली बीखनेल ऑडिन था, राइट। इन 1939 ही मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन इन 1946। 1939 ईस्वी में ये ब्रिटेन छोड़ के अमेरिका चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ वो रहे, और उसके बाद 1946 ईस्वी में इनको अमेरिका का नागरिकता मिल गया और ये अमेरिकी नागरिक बन गए 1946 ईस्वी में, राइट। इंग्लैंड में W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी हुई जो मुख्य रचनाएं थी, जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, वो हैं द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, राइट। तो ये तो इंग्लैंड में लिखे थे इन्होंने, और अमेरिका में जो इन्होंने लिखा है, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर, लेटर फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ एनेक्सिटी, मीन्स अमेरिका में इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो तो इंग्लैंड में लिखी थी और ये अमेरिका में लिखे, तो वो था न्यू ईयर, लेटर फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ एनेक्सिटी, ये रचना जो है इन्होंने अमेरिका में लिखी थी, राइट। तो ये था पोएट के बारे में। अब हम लोग कविता शुरू करने से पहले, ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता का थीम क्या है, विषय क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, राइट। द थीम ऑफ द पोएम, इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू एक्सप्रेस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एज कॉज्ड बाय द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ द मॉडर्न लाइफ। इस कविता में कवि मनुष्य के जीवन में किस प्रकार की विफलताएं हैं, आधुनिक जीवन में मनुष्य की किस प्रकार की विफलताएं हैं, किस प्रकार से मनुष्य संघर्ष से जूझता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ही इज वेरी ऑफ द प्रॉब्लम्स ह्यूमन रेस इज फेसिंग इन मॉडर्न टाइम्स, उन्होंने आधुनिक युग में मनुष्य किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है उसके बारे में सोचकर ये चिंतित है। तो ये है कविता का थीम, विषय। अब हम लोग कविता शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा। तो कवि कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। कवि का कहना है, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मीन्स पत्ते जो है वृक्ष से तेजी से गिर रहे हैं। इसका क्या सार है, मीन्स कवि क्या बोलना चाहते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। बड़े, फिर कभी कहते हैं, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, जो बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष के बगल में जो छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों में जो लगे हुए फूल हैं वो भी अब नहीं टिक पाएंगे, मीन्स बड़े वृक्ष के बगल में जो छोटे पौधे होते हैं, उन छोटे पौधों में जो फूल लगे हुए होते हैं, फूल खिले होते हैं, वो भी अब नहीं टिक पाएंगे, मीन्स अब वो भी समाप्त हो जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, और जो नर्सेस है, मीन्स जो बड़े वृक्ष के बगल में जो पौधे हैं, छोटे पौधे, वो भी नहीं बच पाएंगे, उसके फूल तो नहीं टिक पाएंगे और वो पौधे भी अब नहीं बच पाएंगे, मीन्स वो भी अब कब्र में जा चुकेंगे, कब्र में जा चुकेंगे, मीन्स अब उनकी भी जीवन की समाप्ति हो जाएगी, वो भी अब बच नहीं पाएंगे। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों की चार पहिए वाली, प्रैम्स का मतलब होता है बच्चों की चार पहिए वाली, लेकिन चार पहिए वाली गाड़ी, लेकिन यहाँ प्रैम्स का मतलब है जीवन की गति से, कि जिस प्रकार के बच्चों की चार पहिए वाली चलती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की गति भी चलती है, अब वो जो है जीवन की गति वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। कवि ने यहाँ पर प्रैम्स का जो इस्तेमाल किया है, बच्चों के चार पहियों की गाड़ी से, इसका मतलब होता है जीवन की गति, जिस प्रकार से बच्चों की गाड़ी धीरे धीरे चलती है, उसी प्रकार से जीवन की गति भी वो धीरे धीरे चल रही है, अब वो समाप्ति की ओर है, समाप्ति के
कगार पे है। फिर कवि कहते हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। मीन्स यमदूत जो है, विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है यमदूत। यमदूत जो है वो दाएं बाएं घूम रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं। जब मनुष्य का जो जीवन है वो समाप्ति की ओर कगार पे जा रहा है, तो कभी यहाँ बहुत दूर से सोचे हैं और उनका कहना है कि जब मनुष्य मर जाता है तो यमदूत जो है उसे स्वर्ग की ओर या जो नर्क की ओर है उसे ले जाता है। तो यमदूत जो है वो दाएं बाएं घूम रहे हैं, और ये जो यमदूत हैं हमारी वास्तविक खुशी से हम लोगों को दूर कर रहे हैं। मीन्स जो लोग मर जाते हैं, जिनके वो घर के सदस्य होते हैं, तो उनके सदस्यों को जो उनकी वास्तविक खुशी होती है उनसे उनको दूर कर रहे हैं। तो यमदूत हमारी वास्तविक खुशी को हमसे दूर कर रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये जो हमारा सक्रिय हाथ है, मीन्स जब मनुष्य जिंदा होता है तो उसके हाथ पैर जितने भी शरीर के अंग होते हैं वो सक्रिय होते हैं। तो जो हमारा ये सक्रिय हाथ है एक दिन ठंडे पड़ जाएंगे। कब ठंडे पड़ जाएंगे? जब मनुष्य मर जाएगा, मृत्यु के आगोश में समा जाएगा, उस समय जो ये ठंड हमारे जो हाथ है वो ठंडे पड़ जाएंगे। और लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और जब मनुष्य मर जाता है तो हमारा हाथ जो है वो घुटने तक आ जाएगा। मनुष्य के मरने के बाद जो है हाथ घुटने तक आ जाएगा, मीन्स मनुष्य को लेटा दिया जाता है। मनुष्य जब मर जाता है तो उसको जैसे उसके बॉडी को रखा जाता है उस प्रकार से उसका बॉडी होता है। मीन्स ये हाथ जो है वो घुटने तक आ जाएंगे, मीन्स हम लोग जो है मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। जिस प्रकार से वृक्ष जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वयस्क हो जाता है, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वृक्ष की भी समाप्ति हो जाती है, वो भी समाप्त हो जाता है, मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। फिर कवि कहते हैं, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं रास्ते में, मीन्स रास्ते में जो है सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, और जो लोग मर जाते हैं उन्हें लकड़ी के ताबूतों में रखा जा रहा है। मरने के बाद जो है बहुत सारे जब लोग मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो उन्हें मतलब बहुत सारे कहीं कहीं ऐसा होता है, दुर्घटना हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते में मरे पड़े हैं, और मर जाने के बाद जो है उनको लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है। मीन्स कवि का यहाँ कहने का मतलब हुआ कि मृत्यु से जो है कोई बच नहीं सकता है, सबको एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में क्या होती है, जब लोग मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो उनके डेड बॉडी को जो है वो ताबूत में रख के फिर उसको दफनाया जाता है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पे बताया है कि जब लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद उनको ताबूतों में रखा जाता है, राइट। मृत्यु जो है वो सत्य है ना, सबसे बड़ा जो सत्य है वो है क्या, मृत्यु। इसी को कवि ने यहाँ पे बताया है। आर्म्स रेज स्टीवली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। लोग जो है वो ईश्वर से खफा है। क्यों खफा है? कि ईश्वर जो है हमें, हम लोगों को एक बार जिंदगी दी, हम लोगों को लाइफ दिए ईश्वर, और फिर हमारी जो ये जिंदगी है हम लोगों से हमारी जिंदगी को वो छीन ले रहे हैं। तो एक प्रकार से ईश्वर जो है हम लोगों से टू माइंड्स कर रहे हैं, मीन्स दो एक तरह का ये खेल खेला जा रहा है मनुष्य के साथ। ईश्वर जो है मनुष्य के साथ एक प्रकार से खेल खेल रहे हैं कि हम लोगों को वो जिंदगी दिए, लाइफ दिए, और फिर हमसे हमारी जिंदगी को क्या कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव,
मीन्स कवि का ये कहना हुआ कि ये ईश्वर के द्वारा जो है दिखावटी प्यार किया जा रहा है, दिखावटी प्यार है। किससे, किसके साथ? मनुष्यों के साथ ईश्वर का ये दिखावटी प्यार है जो ईश्वर के द्वारा हम लोगों के साथ किया जा रहा है कि एक बार जो है हमारी जिंदगी हम लोगों को दे दिए और फिर हमारी जिंदगी को हमसे छीन लिए। तो ईश्वर के द्वारा ये दिखावटी प्यार है, प्रेम है मनुष्यों के प्रति, राइट। फिर कभी कहते हैं, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। वृक्ष जो है वो पत्ते विहीन हो रहे हैं, वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष जो है वो पत्ते विहीन हो रहे हैं, पत्ते उनसे अलग हो रहे हैं और लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। मीन्स वृक्ष से पत्तियां अलग हो रही है और लोग भूखे मर रहे हैं। और ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और बुरी आत्मा जो है अपने भोजन के तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। बुरी आत्मा कहने का मतलब भूत पिशाच जो है अब भोजन के तलाश में, जब भी मतलब वो चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा भोजन के रूप में मिल जाए, क्योंकि वो लोग तो मनुष्य जीव जंतु को अपने भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं, तलाशते रहते हैं। तो वही जो बुरी आत्मा है भूत पिशाच वो अपने भोजन के तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, राइट। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और जंगलों में जो बुलबुल है गाने वाली चिड़िया, बुलबुल नाइटिंगल, उसकी आवाज भी जो है वो सुनाई जो पड़ती थी वो भी अब सुनाई नहीं पड़ती है। मीन्स वो अब मुक हो गई है, मौन हो गई है, उसकी आवाज भी अब रुक गई है। मीन्स जब भी कोई सजीव मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है तो धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो कार्य करना बंद कर देता है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, बिकॉज डेथ इज सर्टेन, राइट। सबको मृत्यु प्राप्त करना है। और एंड द एंजल विल नॉट कम, और कभी ये बोल रहे हैं कि कोई देवदूत भी नहीं आने वाला है। एंजल मीन्स देवदूत, विस्परिंग नेबर्स मीन्स यमदूत, एंजल मीन्स देवदूत। और लोगों के पास एक आशा है कि कोई देवदूत आएगा हम लोगों को बचाने, लेकिन अब वो देवदूत भी नहीं आएंगे बचाने हम लोगों को, क्योंकि जब मृत्यु को प्राप्त करना है, मृत्यु सत्य है, तो देवदूत भी मृत्यु को, मृत्यु से मनुष्य को बचाने नहीं आएंगे, राइट। लास्ट पैराग्राफ है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। कभी कहते हैं ठंड आगे बढ़ते ही जा रहा है, ठंड जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लिस्ट द माउंटेन लोनली हेड, आगे श्रृंखलाबद्ध पहाड़ों की चोटियां हैं। जंगलों का यहाँ पर उन्होंने चर्चा किया है, तो बोल रहे आगे जो है श्रृंखलाबद्ध पहाड़ों की चोटियां हैं, उन चोटियों पर चढ़ना एक असंभव सा कार्य है जो हो नहीं सकता। उन चोटियों पर लोग चढ़ नहीं सकते, जो एक असंभव सा कार्य है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, परंतु पर्वतों के जो झरने हैं वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। मीन्स ये कह रहे हैं कि पर्वतों से गिरने वाले जो झरने हैं वो मनुष्य को आशीर्वाद दे सकते हैं, मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं, किससे? मृत्यु से। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, राइट। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, परंतु यात्री अंतिम समय में है, तो लोग सोचते हैं कि वाटरफॉल जो है पर्वतों से जो गिरने वाले जो झरने हैं वो उन्हें बचा लेंगे, परंतु ये भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की भी कोई आशा नजर नहीं आ रही है। मीन्स कवि का ये कहना हो है कि पर्वतों से जो गिरने वाले झरने हैं वो हमें बचा लेंगे, लेकिन इस प्रकार की भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मृत्यु जो है वो सर्टेन है। एक न एक दिन जितने भी सजीव हैं धरती पे, जो भी जन्म लिए हैं वृक्ष से, उन्होंने ये तुलना किया है, जिस प्रकार से वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं,
वृक्ष जो है पत्ते रहित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है वृक्ष से पत्ते जिस प्रकार से रहित होते हैं, मनुष्य भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा, क्योंकि मृत्यु जो है वो सत्य है। राइट, तो ये थी कविता। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। राइट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस कविता की जो समरी है इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो लेकर आऊँगा, और आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर के समरी पूछे जाते हैं। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।